हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पिछली गुफ्तगू को ही आगे और कंटिन्यू करते हैं। ये जो सारे जामनी रंग या पर्पल कलर के जो आपको इलाके नज़र आ रहे हैं, ये बहुत से मकामी हुक्मरानों के नीचे हैं। हिंदू शहज़ादे जैसे कि मराठन्स ने अपना इख्तियार या कंट्रोल काफ़ी बढ़ा लिया है, लेकिन ये बहुत से मकामी हुक्मरानों या रूलर्स में बांटा हुआ है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी बन जाएगी 18 सेंचुरी के आखिर में। ज़्यादा कोई रोडें भी नहीं हैं कि जिसके बायस कारोबार हो सके। ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते थे। साउथ ईस्ट एशिया में जो ये यूरोपियन चौकियाँ हैं, ये काफ़ी ज़रूरी थी, ख़ास तौर पर उन चीज़ों के लिए जैसे कि मसाले। ये मसाले जो थे, ये वज़न में तो बहुत हल्के थे, लेकिन जो इनकी वैल्यू थी वो पाउंड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो 17th और 18th सेंचुरी की कश्तियाँ थीं, ये इतना सामान लेके नहीं जा सकती थी। यही कोई तकरीबन 50, 60, 70 या मैक्सिमम 80 टन्स तक। लेकिन इतने में जो मसाले थे वो बहुत ज़्यादा आ सकते थे। अगर ये एक भी कार्गो की कश्ती, यानी कि जो मसालों वाले कार्गो की कश्ती थी, यूरोप सही सलामत ले जा पाते, तो यूँ समझ लें कि वो गोल्ड के बराबर हो जाती थी। तो आप ये चौकियाँ देख सकते हैं, और यकीनन इस इलाके में काफ़ी तिजारती जंगें होती थीं, ख़ास तौर पर यूरोपियन ताकतों के बीच में। पूरे इस स्पाइस आइलैंड के इलाके से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक एक और तिजारती चौकी जो है वो मशरिकी एशिया के इलाके में थी, साउथ वेस्ट एशिया, उस इलाके में जो एक हावी या यूँ कह लें कि जो मजबूत सल्तनत है, वो एक ऐसी सल्तनत है जो कुछ तुर्की सिपाहियों ने बनाई है, जिसको ऑटोमन डायनेस्टी या ख़ानदान कह सकते हैं। वो हुकूमत कर रहे हैं एक बहुत ही वसी और बड़े इलाके पर। अब 18 सेंचुरी के शुरू में ताकत की जो शक्ल है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, लेकिन 1683 में सल्तनत उस्मानी ने वेना सिटी पर महासरा कर लिया है, और देखें ज़रा कि काफ़ी हद तक उस पर कब्ज़ा भी कर लिया है। लेकिन 18 सेंचुरी के शुरू में यूरोपियन फौज जो है वो काफ़ी बेहतर कर रही है और ऑटोमैन को पीछे भेज रही है। ऑटोमैन्स को भी अब ये एहसास हो रहा है कि इनको एक दूसरी सल्तनत के मुकाबले में एक बॉर्डर रखना होगा। जिस सल्तनत को हम सफाविद डायनेस्टी या ख़ानदान कहते हैं, आज के ईरान में, इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि सफाविद ख़ानदान किस तरह अपना इलाका बढ़ा रहा था, और जो किसी ना किसी तरह उन्होंने एक बॉर्डर बना लिया था ऑटोमैन से। वो किस तरह बना, वो उन्होंने 16 सेंचुरी में जंगें लड़ लड़ के अपना बॉर्डर बना लिया आहिस्ता आहिस्ता। अब इससे आगे क्या हुआ, ये हम अपनी अगली गुफ्तगू में जानेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानें।